फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians. बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. 200 वोल्ट बल्ब टेक्स 0.2 एम्पियर करंट, यानी कि 0.2 एम्पियर करंट लेता है भाई. तो यानी कि यहां ये इंफॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगी, ये आर प्रोवाइड कराएगी, है ना. यही कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर 200.2 आर, है ना. इससे क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R 200 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि 1000 ओम. चलो ये एक नया तरीका था R देने का कि आपको वोल्टेज और करंट दे दिया है. द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज 22 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया. तो 22 × 10⁻²⁻ मीटर. हम तो ऐसा ही में काम करेंगे. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज 7 × 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर. ठीक है, तो ओम मीटर में आ जाओ बच्चा लोग, ओम मीटर में आ जाओ. ठीक है, ऐसा कौन सी मैम ने बोला था, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चली गई और वहां जाके मिठाई बेचने लगी. चलिए, और ओम मीटर. ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता चल पाया. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वायर. तो यानी कि डायमीटर जो आपसे पूछा गया है वही आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की माध्यम से हमें पता चलेगा. यानी कि हम ए निकाल लेंगे तो डायमीटर डी हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. तो A इज इक्वल टू रो एल बाई आर, नहीं, A इज इक्वल टू रो एल बाई आर. सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन, L है 22 × 10⁻², और R है 1000 यानी कि 10⁻³. तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना तो है नहीं, तो 22 और 7 बनाए रखें, क्या पता पाई वाई से कट जाए. और 10⁻⁷ 2 9 −12, ठीक है ना. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, है ना. और दोबारा लिखने का मन नहीं इसलिए मिटा दे रहे हैं. बाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22/7. ठीक है, यहां पे अब आप रीजन लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7. भाई हमने रीजन भी दे दिया अपना, ये जो जल्दी जल्दी कर दिया उसका 22 कट गया. बहुत बढ़िया. डी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ का स्क्वायर. है बढ़िया. तो डी इज इक्वल टू 14 × 10⁻⁶ क्या मीटर. ये लोग क्या कह रहे हैं, सेंटीमीटर में निकालना है भाई,
D is equal to 14 into 10 to the power minus 4 centimeter. खत्म. ये आपका आंसर है. बुक ये आंसर दे रही है, मेरे पास जो बुक है वो ये आंसर दे रही है, लेकिन होना ये चाहिए. D is equal to 1.4 into 10 to the power 10 कम किया 10 बढ़ा माइनस 3 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर ही में देना है तो. ठीक है, तो बुक में ये आंसर है, होना ये चाहिए, एक ही बात है. This is done.